नमस्कार दोस्तों, मैं दीवान सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक बड़े गंभीर मुद्दे पे बात कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने लगाई एक साल के लिए सभी भर्तियों पे रोक, ठीक है, ये आपने सुना होगा, लेकिन आप थोड़ा सा गलत पढ़ रहे हो। क्या आएगा, एक साल के लिए नई भर्तियों पे रोक लगाई है, ठीक है। तो कोई भी किसी के मतलब कहने पर पढ़ाई ना छोड़े, एक साल के लिए हम बात करें ना, नई भर्तियों पर रोक लगाई है। कुछ एक सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं कि एक साल बाद अगर नई भर्ती होगी तो क्या उनकी उम्र में उनको छूट मिलेगी। बिल्कुल जी, इन मुद्दों पे हम कई सवाल ऐसे हैं जिन पे हम आज बात करेंगे। अगले एक साल तक कोई भी नई भर्ती नहीं की जाएगी, लेकिन यहाँ अब तक क्लियर नहीं हुआ है। कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं है, वो कॉमन सेंस के जो है पर्सन, जो हमें खुद समझने हैं कि हाँ ये तो होगा ही होगा इस तरह से, और सरकार को करना भी पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं, आज हम उन मुद्दों पे बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, एक तो ये डाउट है कि नई भर्ती अनाउंस ही नहीं होगी, या अनाउंस हो जाएगी तो फार्म भरवा लिए जाएंगे, एग्जाम नहीं होगा, है ना। तो हो सकता है नई भर्ती अनाउंस ही न हो, अगर अनाउंस हो गई तो फार्म भरा लिए जाएंगे लेकिन एग्जाम तो होगा ही नहीं, ये तो खट्टर ने बोला है एक साल के लिए नई भर्ती के बारे में। अगला देखिए, अगले मुद्दे पे हम बात करें, पुरानी भर्ती जो ऑलरेडी एडवर्टाइज, आपने बात करें एडवर्टाइज हो चुकी है, पुरानी भर्ती है, उनका क्या रहेगा। जैसे हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, पटवारी, केनल पटवारी, बहुत सारी भर्तियाँ ऐसी है, उनका क्या होगा। तो जी, कॉमन सेंस की हम बात करें तो उनका एग्जाम, अगर लॉकडाउन अच्छे से बात करें, इनका पालन किया गया और लॉकडाउन खुल गया, अर्थव्यवस्था थोड़ी ठीक हो गई, मान के चलो आप 2-2.5 महीने तो लगेंगे, ठीक है, जैसे भी ये लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद में हम बात करें तो हरियाणा सरकार देखेगी, अपना बजट देखेगी, उसके अनुसार एग्जाम हो सकते, यानी कहने का मतलब 3 महीने में अगर ये सिस्टम हल होता है तो उसके 2-3 महीने 4 महीने बाद एग्जाम हो सकता है, यानी कहने का मतलब 6 महीने आपके पास तैयारी के लिए अच्छे से पड़े हैं। अच्छा, आगे देखिए, जिनके रिजल्ट डीवी पेंडिंग है उनका क्या होगा, जिनके रिजल्ट और डीवी पेंडिंग है उनका क्या होगा। देखो, अगर बात करें हम रिजल्ट की, तो रिजल्ट सरकार कभी भी अनाउंस कर सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीवी पेंडिंग उनका क्या होगा, अगर डीवी पेंडिंग है, इन डीवी के बारे में हम बात करें तो डीवी पेंडिंग है तो डीवी या तो ऑनलाइन होगा उनका, अगर सिस्टम खुल जाता है, या सिस्टम खुलने के बाद अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके वहाँ हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये इतना ज़्यादा मतलब क्या है कि डीवी है वो एक बार नहीं होगा। हाँ, रिजल्ट आ सकते हैं, जिनका डीवी हो चुका है, रिजल्ट पेंडिंग है, उनके रिजल्ट आउट हो सकते हैं आने वाले टाइम में, लेकिन अभी रिजल्ट आउट होने से फ़ायदा क्या होगा, ज्वाइनिंग तो होगी नहीं, है ना। जिनकी ज्वाइनिंग ही पेंडिंग है उन भर्तियों का क्या होगा, जिनकी अभी ज्वाइनिंग पेंडिंग है तो भाई मेरे अभी उन भर्तियों का कुछ नहीं होगा, जब ये लॉकडाउन खुलेगा तब सरकार को ज़रूरत पड़ेगी, तब उनकी ज्वाइनिंग ही कर ली जाएगी, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम गंवाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगले मुद्दे पे बात करें, देखिए कुछ और मुद्दा है जो अभी सीएम खट्टर ने साफ साफ अनाउंस नहीं किया है, उस मुद्दे पर हम भी बात करेंगे। बड़ी कठिन अगर बात करें कंडीशन चल रही है, जिसमें भारत ही नहीं पूरा विश्व अर्थव्यवस्था खराब होने में मतलब खराब हो चुकी है सभी की, परिणाम स्वरूप हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया है। अब यहाँ कॉमन सेंस और लॉजिक समझ सकते हैं हमें, वो ये है, नंबर एक बात कर, यदि कोई इस दौरान ओवरएज हुआ तो उन्हें एक साल का एक्स्ट्रा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी खट्टर ने कहा है सीएम खट्टर ने कि एक साल तक भर्ती नहीं होगी। मान लो नई भर्ती नहीं होगी, पुराने जिन्होंने फार्म भर रखे उनका तो ठीक है, अब नई एक साल भर्ती नहीं होगी, अगर उनकी बात करें ओवरएज हो गए वो, तो उनको मौका मिलेगा, जी पक्का मिलेगा, ठीक है, कॉमन सेंस की बातें हैं। आप कहोगे आपको ज़्यादा पता है क्या, तो ये कॉमन सेंस की बातें हैं, मौका मिलेगा, ठीक है, कोर्ट इसके लिए खुला है आप सभी के लिए। अगला, भर्तियाँ जो एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है लेकिन एग्जाम होगा या नहीं होगा पक्का नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं होगा, मतलब ये किसी ने बनाई इसके बारे में बता रहा हूँ मैं, जो भर्तियाँ फार्म भरे जा चुके हैं, एग्जाम होगा या नहीं होगा, देखो अभी लॉकडाउन के दौरान तो कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है, उसके बाद 2 महीने तक और नहीं होगा, 6 महीने तक तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है, उसके बाद में बात करें इनकी एग्जाम डेट वगैरह आएगी तो हो सकता है 8-9 महीने बाद इनका एग्जाम हो जाए, ठीक है।
अच्छा आगे बात करें, जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है पिछले काफी समय से, जैसे पीजीटी संस्कृत है, इंस्पेक्टर है, फॉरेस्टर है, वो जैसे कई एग्जाम हम बात करें उनके बारे में ज्वाइनिंग संभव नहीं दिख रही है अभी वर्तमान में, ठीक है, क्योंकि कंडीशन ख़राब है। अभी उनकी ज्वाइनिंग करा के करवाएंगे क्या, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, ये लॉकडाउन खुलने के बाद ही इनका मामला हल हो सकता है। आगे हम बात करें, जिनके रिजल्ट पेंडिंग है शायद आ जाए वेबसाइट पे, ठीक है, लेकिन एग्जाम नहीं होंगे अभी और डीवी नहीं होगा क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका पालन नहीं होगा अगर एग्जाम हुए तो, और इतनी व्यवस्था नहीं है कि कंप्यूटर पे दूर दूर बैठा के एग्जाम लिए जाए, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब इस पूरे तात्पर्य क्या निकलता है इसका, इसका पूरे का तात्पर्य यह निकलता है कि दोस्तों अभी लॉकडाउन के दौरान तो कुछ हो नहीं सकता, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी सेक्टर सभी सिस्टम बंद है ना, इतना तो समझते हो। मान लो लॉकडाउन खुल गया 2 महीने बाद एकदम सही अच्छे से, तो क्या होगा, तो उसके बाद में पहले रिजल्ट आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी ज्वाइनिंग भी करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डीवी वगैरह हो जाएंगे। और अपने बात करें जो अपने जिन्होंने अभी फार्म भर रखे हैं उनकी एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगी, लगभग आप 3-4 महीने का वेट करना पड़ेगा दोस्तों, उसके बाद एग्जाम डेट अनाउंस हो सकती है, यानी कहने का मतलब 4 से 5 महीने आपके लिए जबरदस्त तैयारी के लिए पड़े हैं। ये नहीं है कि 1 साल बात करें, अगर ये 1 महीने में ही लॉकडाउन पूरा रूप से खुल जाता है और इस महामारी से अगर बात करें छुटकारा पा लिया जाता है तो दोस्तों एग्जाम हो सकते हैं, लेकिन नई भर्ती के लिए सीएम खट्टर ने 1 साल के लिए बोला है। तो मेरी यही आपसे एक निवेदन है कि हम बात करें, सलाह है मेरी कि तैयारी का दायरा बढ़ा लो, तैयारी का दायरा बढ़ा लो। कल तक एसएससी के एग्जाम ही करते थे, आज हम बात करें एचपीएससी की भी शुरुआत कर दे, लगे रहो, एकमात्र ही रास्ता है अपने पास, ठीक है, अभी एकमात्र ही रास्ता है अपने पास, तैयारी करो दोस्तों अच्छे से, कोई कुछ भी बोले अपने को नहीं सुनना है, आज तैयारी करोगे काम आएगी आगे, अभी बोल रहा हूँ। अगर आपने सोचा 1 साल एग्जाम नहीं होगा, अगर आपने दो महीने ही अगर पढ़ाई छोड़ दी तो आप 2 महीने क्या, मैं आपको बता रहा हूँ 2 साल पीछे चले जाओगे, क्योंकि अभी जो पढ़ेंगे वो नौकरी लग जाएंगे, फिर 1 साल तक नई भर्ती नहीं आएगी, फिर आएगी तो 6 महीने और लग जाएंगे, फिर ज्वाइनिंग वगैरह करके सालों लग जाएगा, 2 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ये जरूर है कि जिनकी बात करें उम्र एवरेज हो जाएगी, ठीक है, उनको आगे बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। तो मेरा आज मतलब बहुत सारे बच्चों का फ़ोन भी आया मेरे पास और मैसेज भी आया, बहुत सारे चैनल ने वीडियो भी बनाई है इस मैटर पे, आपने देखा भी होगा, ठीक है, सीएम खट्टर का बयान भी सुना होगा, उन्होंने ये बात बोली है कि 1 साल के लिए कोई नई भर्ती नहीं होगी, पुरानी भर्ती अगर कंडीशन अच्छी रही, ठीक है, और लॉकडाउन खुल गया, ज़्यादा मतलब महामारी ने फैलाव नहीं किया हरियाणा में, क्या पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, पूरे भारत में कंडीशन ठीक होनी चाहिए, तो इसके तहत अपने बात करें एग्जाम वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बात करें आप मोटिवेट रहो, मोटिवेट रहना जरूरी है। कुछ एक बच्चे डीमोटिवेट हो गए हैं, जी अब क्या करें, मार दिया हमें तो, मरवा दिया ये वो, तो भाई ऐसी कोई चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है, हौसलों में जान होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है, और लगे रहो दिन रात एक कर दो, और करोगे क्या घर पे भाई, एक बात सोचिए, पढ़ाई छोड़ दीजिए कि एग्जाम नहीं होगा भाई, घर पे और क्या करोगे, मक्खी मारोगे क्या, मक्खी तो नहीं मारोगे ना, ये तो बता दो मेरे को, नहीं मारोगे, या कोई और काम धंधा है जहाँ लगोगे, नहीं है ना, खेत का काम करवा दो घर वालों को अच्छे से, उसके बाद पढ़ाई पे लगे रहो, जितना टाइम मिले उतना आप पढ़ो, अपने नोट्स बनाओ, जहाँ आपकी कमी है उनको दूर करो, ठीक है दोस्तों। तो मेरी तो यही गुजारिश है आपसे कि आने वाले एग्जाम से पहले पहले आप प्रिपेयर हो जाओ अच्छे से, और जहाँ जहाँ कमियाँ हैं वो उन कमियों को दूर कर दो, ठीक है, और जय हिंद, राम राम, नमस्ते, और बहुत ही जल्द मैं आपके सामने लाइव आने वाला हूँ, ठीक है, अपना प्रोजेक्ट सिस्टम रूम पे सेट कर लिया है, तो इसके लिए आप सभी को बधाई हो, और क्लासे हैं वो आपको रेगुलर में दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो गुड बाय, राम राम, नमस्ते, आगे मिलते हैं लाइव, तब तक के लिए बाय बाय।